ग्राम पंचायत मोहद में आरएस का पथ संचलन हुआ शांतिप्रिय रूप से, जिसमें गांव के लोगों ने सहयोग किया। गांव के लोग भी शामिल रहे और उस प्रशासन का भी सहयोग रहा। शांतिपूर्वक कार्यक्रम रैली निकाली गई। सुबह से ही पंचायत की ओर से मुख्य मार्ग की साफ सफाई की गई। शाहपुर थाना प्रभारी गिरवर सिंह जलोदिया खकनार की आई धुबे सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। पंचायत के सरपंच, उप सरपंच व सचिव भी पुलिस के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ के मुख्य वक्ता जिला प्रचारक गौरी शंकर ने कहा कि 1925 में संघ प्रणेता डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। संघ का उद्देश्य संपूर्ण समाज को एकता के सूत्र में बांधना है। संघ के उद्देश्य संगठित, सशक्त, दोष रहित एवं समरसता के बल पर ही भारत परम वैभव पर पहुंचना है। उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना का लक्ष्य व्यक्ति का निर्माण कर लोगों में राष्ट्रभक्ति को जगाना है। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया गया भव्य स्वागत। बाबा बस जिल्ली जलग्रह एफ सफाई। संघ के कार्य बढ़ रहे हैं। उन्होंने हिंदू समाज को संगठित होने का आह्वान करते हुए कहा कि संघ के स्वयंसेवकों की देश में आई आपदाओं व संकटों में विशेष भूमिका रहती है। देश में जब भी कोई संकट या आपदा आती है, स्वयंसेवक सदैव सेवा के लिए तैयार रहता है। बौद्धिक के पश्चात संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन ग्राम के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाला गया, जिसमें स्वयंसेवक गणवेश में घोष धुन साथ कदम ताल करते हुए चले। पथ संचलन में ध्वज वाहिनी घोष और घोष दंड शामिल थे। पथ संचलन में सभी स्वयंसेवकों हाथों में दंड लिए कदम ताल मिलाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्र हित को स्वयं के हितों के ऊपर रखकर संघ का स्वयंसेवक कार्य करता है, तभी समाज में परिवर्तन होता है। उन्होंने कहा कि संघ का पथ संचलन शक्ति का प्रदर्शन न होकर संगठन। देखिए बुरहानपुर से अनिल महाजन की ये खास रिपोर्ट। तपस्या और जो प्राण नौछावर की है, हम सभी के लिए अतुलनीय है। एक व्यक्ति हिमालय की चोटी पर खड़ा होकर जोर से आवाज लगाता है कि हे कोई मेरा बड़ा भाई, जो विश्व में मेरी पुकार सुन सके, तो उधर से आवाज आती है कि नहीं, कोई नहीं है। अर्थात भारत से पहले इस विश्व में कोई धर्म था ही नहीं। संपूर्ण भारत में एक ही धर्म था, वो था सनातन हिंदू धर्म। उस धर्म के रक्षक थे हमारे सबके आदर्श शिवाजी महाराज। डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस विशाल संगठन की नींव रखी, संगठन की स्थापना करी। डॉक्टर हेडगेवार जी जब बचपन में थे तो उनका नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। बालक केशव छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक संगठन की स्थापना करता है। संगठन की स्थापना करना इतना ही सरल कार्य नहीं था, क्योंकि हमारा देश गुलाम था और चारों ओर से विपदा ही विपदा थी। कहते कि हिंदू समाज एक जगह एकत्रित नहीं हो सकता था। एकत्रित कब होता था? जब पांचवा व्यक्ति खंधे पर होता था। एक दिशा में चलना इतना भी संभव कार्य नहीं था। पांचवा व्यक्ति खंधे पर होता था जब हिंदू समाज एक दिशा में चलता था। हिंदू समाज को संगठित करना, भेला करना, यानी एक तराजू में मेंढक तोलने का काम था। एक मेंढक को रखो, दूसरा मेंढक छलांग मार जाता, दूसरे को लाओ, तीसरा पकड़ के छलांग मार जाता। इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर हेडगेवार जी ने